बढ़ती महंगाई में सैलरी से घर चलाना आजकल मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि वो अपना कोई स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करे, लेकिन कई बार आइडिया की कमी के कारण हम नई चीज़ शुरू नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आज हम आपकी मदद करते हैं। आप अगर चाहें तो सरकारी संस्थान के साथ जुड़कर मोटी कमाई कर सकते हैं। ये मौका आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस दे रहा है। आप अपने घर में या दुकान में पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। अब पोस्ट ऑफिस का काम केवल चिट्ठी लाना या पार्सल पहुंचाना नहीं है, इसके अलावे एक पूरा बैंकिंग मॉड्यूल पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़ा हुआ है। पैसा जमा और निकालने से लेकर स्मॉल सेविंग अकाउंट तक खोलने जैसा तमाम काम अब पोस्ट ऑफिस में किया जा सकता है। साथ ही अब कई लोक कल्याण सेवाओं को पोस्ट ऑफिस के साथ जोड़ दिया गया है। इसका ध्यान रखते हुए इंडियन पोस्ट ऑफिस ने नया पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए फ्रेंचाइजी स्कीम की शुरुआत की है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आप पोस्ट ऑफिस खोलकर सीधे सीधे पैसे कमा सकते हैं। देश में पोस्ट ऑफिस की सेवाओं का विस्तार हो रहा है, मगर अभी कई इलाकों तक पोस्ट ऑफिस पहुंच नहीं पाई है। इसी को ध्यान में रखकर पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी खोलने की कवायद शुरू की गई है। अगर आप पोस्ट ऑफिस खोलने का मन बना रहे हैं तो आपको इस तरह की फ्रेंचाइजी की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। डाक विभाग के द्वारा फ्रेंचाइजी आउटलेट और पोस्टल एजेंट फ्रेंचाइजी दी जा रही है। इसमें आप किसी भी प्रकार की फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोस्टल एजेंट फ्रेंचाइजी का काम शहरी और ग्रामीण इलाकों में पोस्टल स्टैंप, स्टेशनरी आदि को घर घर पहुंचाना है, जबकि पोस्टल फ्रेंचाइजी आउटलेट के लिए विभाग के द्वारा तय की गई राशि जमा करके और कुछ प्रोसेस पूरा करके आप पूरा पूरा एक पोस्ट ऑफिस खोल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन दोनों कामों के लिए आपको ठीक ठाक कमीशन मिल जाएगा। फ्रेंचाइजी खोलने वाले को स्पीड पोस्ट के लिए 5 रुपये, मनी ऑर्डर पर 3 से 5 रुपये, पोस्टल स्टैंप और स्टेशनरी पर 5% का कमीशन मिलता है। इसके अलावा इस तरह की अन्य सेवाओं पर कमीशन अलग से मिलता है। पोस्ट ऑफिस के फ्रेंचाइजी के लिए कोई भी 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि उस व्यक्ति से जुड़ा कोई भी व्यक्ति पोस्टल डिपार्टमेंट में ना हो। व्यक्ति के पास 8वीं पास का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। इसके अलावा उसे एक फॉर्म भरना होता है जिसमें मांगी गई पूरी जानकारी और दस्तावेज को सही सही लगाना होता है। इसके बाद इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। एक छोटा इंटरव्यू होता है जिसके बाद फ्रेंचाइजी का अलॉटमेंट किया जाता है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।